अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो नए नए इंस्ट्रूमेंट आते रहते हैं, उसका न्यू वर्सन आता है, उसका अपडेट आता है। तो कोई भी अगर काम करते हैं और कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए जो नया है उसमें कुछ अलग सी चीज़ें होती है, उसका इंस्टॉलेशन का तरीका अलग होता है, उसके जो साइज़ होते हैं वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो मल्टीपर्पस वाला इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो आज हम लोग जानेंगे जो एक वाल्व होता है जिसे SOV बोला जाता है, उसको सोलेनॉइड वाल्व बोला जाता है, उस वाल्व के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस US इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं, हम लोग सीखते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी सीखते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, वो कैसे वर्क करता है, वो कितने प्रकार का होता है, वो फिजिकली कैसा दिखता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे जो SOV होता है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसके साथ में और क्या क्या एसेसरीज होता है, उसके साथ में एक FTP होता है, मतलब सभी SOV में नहीं होता है, लेकिन ये जो SOV है एक वाल्व है, वो ऑन ऑफ वाल्व होता है, उसमें पावर सप्लाई भी आता है, 24 वोल्ट पावर सप्लाई आता है, तो वो ऑन ऑफ वाल्व है। आज हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे जो SOV है, साथ में एक FTP है और उसके साथ में एक छोटा सा और वाल्व लगा हुआ है जो मैन्युअली इंक्रीज डिक्रीज करते हैं उसके प्रेशर को। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं क्या है। ये लगाइए, ये वाशर को निकाल दीजिए, वाशर लास्ट में लाएगा। वाशर वही में ये है ना, वाशर ये और दोनों वाशर लास्ट में लगता है। पहले वो प्लेन वाला लगेगा, उसके बाद स्प्रिंग वाला, ऐसा होता है। दो दीजिए हम लोग को लगाने के लिए। ये सही है, ठीक है। हाँ, लास्ट में लगेगा ना ये वाइस। हाँ, लास्ट में तो वाशर लगेगा, उसके बाद नट लगेगा। चलिए चलिए इंस्टॉल करते हैं। ये टैग वाला, टैग वाला ऊपर लगेगा। हाँ, वाला पहले स्प्रिंग, पहले प्लेन, पहले प्लेन वाशर, पहले प्लेन वाशर, उसके बाद स्प्रिंग वाशर, उसके बाद स्प्रिंग। लास्ट में स्प्रिंग वाशर रखते हैं। चलिए दूसरा लगाइए। इस तरह ये SOV हो गया और इसमें ट्यूबिंग आएगा। यहाँ पे 3/8 का एक टैपिंग दिया हुआ है। एक और ट्यूबिंग आने वाला है, इसको मूव करेंगे, इसको खोल के लेंकी सेट से इसको, इसका जो फेस है इसको नीचे तरफ करेंगे और तब इसमें से ट्यूबिंग आएगा। इसमें जहाँ से पाइपिंग है वहाँ से ट्यूबिंग आता है इसके थ्रू से, और ये जो लास्ट वाला है इसका जो कनेक्शन होता है वो जाएगा आउट NRV के पास। ये NRV के लिए है और ये जहाँ से टैपिंग है, पाइपिंग जो मैकेनिकल वाला टैपिंग है, वहाँ पर ये जाता है। इस तरह यहाँ पर देखिए, ये जो टैपिंग है, ये जो फाइनल जो टैपिंग है वो उधर आगे जाता है जहाँ पाइपिंग का मैकेनिकल का दिया हुआ रहता है एक, और ये जो ये इसको आउटपुट बोलेंगे, और ये आउटपुट NRV में जाता है। यहाँ पे ये NRV लगा हुआ है, ये NRV है, ये इनपुट है, और यहाँ पे NRV का आउटपुट है, ये आउटपुट निकलेगा जो फाइनल टैपिंग के पास जाएगा। लेके है 5 वाला है।
एक साइड से क्लोज होगा और एक साइड से ओपन। इस तरह आपने देखा कि जो वाल्व है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, जो वाल्व इंस्टॉल करते हैं, जो एसओ भी इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ में जो स्टील वाला जो भाग है वो एफटी है, फ्लोमीटर ट्रांसमीटर है, और जो ग्रीन कलर का है वो एसओ भी है, उसमें ग्लाइंड होता है, उसमें केबल आता है, उसमें पावर सप्लाई आता है, 24 वोल्ट पावर सप्लाई आता है। और आपने एक जो छोटा सा एसएस का जो फिटिंग देखा जिसमें से ट्यूब किया हुआ है, ट्यूब करना होता है, तो वो जो है वो एक तरह का, वो भी एक वाल्व है, उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से। तो इस तरह, और आपने ये भी देखा कि इसको इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं, इंस्टॉल करते समय जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो नट वोल्ट आया हुआ होता है वो थोड़ा छोटा है, मतलब कि वो बड़ा हो जा रहा है, नट वोल्ट जो है उसका जो साइज है, उसका जो लेंथ है वो बड़ा हो जा रहा है। तो अगर आपको इस तरह का कहीं इंस्टॉल करना हो, एसओबी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करना हो, और उसका जो वोल्ट है वो छोटा पड़ रहा हो, मतलब कि जो वोल्ट का जो लेंथ है वो बड़ा हो जा रहा हो लेकिन वो जब फिट करते हैं तो वो जो एंगल का थिकनेस है वो काफ़ी कम होता है, या उस ऐसा कभी स्थिति आती है कि वो जो बोल्ट है उसको उसका थ्रेड ख़त्म हो जा रहा है, मतलब कि आगे तक नहीं है, उसमें और थ्रेड चाहिए, तो उसके लिए दूसरा जुगाड़ है कि कैसे आपने देखा कि 3/8 का ट्यूब का टुकड़ा कटिंग करके और उसके बाद उसको रख करके और तब इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि उसका जो लेंथ है वो कम हो जाता है उसको टुकड़े को रख देने के बाद। तो ये तो एसओबी इंस्टॉलेशन है। हो सकता है आप कोई दूसरा जेबी इंस्टॉल कर रहे हों या कोई और दूसरा इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर रहे हों और इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि जो लेंथ है वो थ्रेड है वो कम थ्रेड है और वो बोल्ट जो है वो बड़ा हो जा रहा है, तो उसके लिए आप इस तरह से व्यवस्था करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।